आज होने वाला है लहंगा स्टाइल साड़ी ड्रेपिंग। तो फिर ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत लगती है और बहुत ही इजी है इसे ड्रेप करना। तो फिर स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को स्लोली सिखाती हूँ। तो फिर ये देखिए, जैसे नॉर्मल आप साड़ी को शुरू करते हैं वैसे ही करें आगे से, और उस पर बस प्लीट्स आपको अलग अलग जगह पर लगानी है। ये देखिए, तो फिर अभी पहले एक राउंड इस तरह से, अगर आप घाघरा पहनते हैं तो मैचिंग ज़रूर पहने, मैंने तो ऐसे ही पहन लिया ऐसे। और ये देखिए, इस तरह से प्लेट्स ली या उस तरह से, देखिए ऐसे आपको पहनते जाना है। ये बहुत ही इजी है और इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं भी पहन कर आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो फिर एक एक अलग अलग तरह से भी मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही वीडियो शेयर करती रहूँगी। तो फिर आप लोग भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं ये इस वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पर और दो प्लेट्स आ सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पर बस एक ही प्लेट्स डालिया। आप जब पहनेंगे तो दो प्लेट्स ज़रूर डालें, यहाँ पर एक की जगह दो प्लेट्स ज़रूर डालें। तो फिर ये देखें, कमर पे भी ज़रूर डालें और आगे से ज़्यादा प्लेट्स डालें। ये देखिए, अभी निकालते हैं पल्लू। जैसे आप साड़ी को पल्लू निकालते हैं वैसे ही निकालें, बहुत ही सिंपल। मैं हमेशा बोलती हूँ जो पहले प्लेट आप लेते हैं वो हमेशा बड़ी लें। ये देखिए, इसको लटकन या कुछ हो तो वैसे वाले पल्लू मुझे बहुत पसंद आते हैं। इसकी बॉर्डर भी बहुत सुंदर है, लेकिन बड़ी है थोड़ी। लेकिन ऐसे लहंगा स्टाइल में अगर पहनती हो या नौवार स्टाइल में पहनती हो तो ये साड़ी बहुत ही अच्छा लुक देती है, और इसका कलर भी मुझे बहुत पसंद है। देखिए, ये पल्लू हो गया है इस तरह से, और इसको ऐसे पिन करें। देखिए, मैंने आगे से ही लिया है। देखिए, फिर इसको देखिए, ये ऐसे नहीं लगाना है। देखिए इसको, ये जो ऊपर वाला है जो राइट साइड में मेरी, मतलब आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा होगा, तो इसको पीछे से दिखाती हूँ अभी पीछे से कैसे करते हैं। ये देखिए, इसको ऐसे लाना है, या तो आप इसे पिन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी साड़ी ख़राब हो जाएगी पिन लगाने से तो पिन ना लगाएं, इसको ऐसे भी डाल सकते हैं, दूसरा भी तरीका है इसका। तो फिर ये देखिए कितना अच्छा लुक आता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, मैं ऐसे ही वीडियो शेयर करती रहूँगी आप तो सपोर्ट करते रहो। और हाँ, पल्लू को पिन लगाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि पल्लू एक जगह पर टिका रहे। और ये देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है, आप शादी में भी पहन सकते हैं या कहीं पर आप जा रहे हैं तब भी पहन सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, ईजी है। तो फिर आप इसके साथ स्टाइल भी कर सकते हैं, बहुत सारी और भी हैं जो वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। इसके साथ मैचिंग चीज़ें भी आप पहन सकते हैं, मैचिंग बैंगल्स हो, गले में जो पहनना हो, बालों में पहनना हो, ये सब कुछ आप मैचिंग पहन सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो फिर आप भी सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर नए हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में।